कुछ लोग कहते हैं कि औरतें नहीं पहन सकती, मैं कहता हूँ तो औरतों को तो जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में उनको जो ऑरिक बॉडी होती है ये काफ़ी पोरस होती है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ गैप हो जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर घुस जाती है। इसलिए पुराने जमाने में रजस्वला महिलाओं को जब मेंस्ट्रुअल मासिक श्राप चल रहा होता है तो उनको बाकी मंदिर में जाना, यहाँ वहाँ चीज़ों को छूना इसे मना करते हैं, लोगों से मिलने से मना करते हैं। इसका कारण ये होता है कि नेगेटिविटी अंदर ना घुस जाए, प्रोटेक्शन के तौर में इस प्रकार की प्रथाएं होती थी पहले। तो महिलाओं को तो रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए और स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा हो तो उस समय तो नहीं उतारना चाहिए, एकदम पहनना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलता है इसको पहनने से। क्या छोटे बच्चों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये भी एक लोग पूछते हैं मुझसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जितने छोटे हों जितना जल्दी आप रुद्राक्ष पहना सकें उतना अच्छा है। उनका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखें, उनमें क्या क्या कमी है, शनि का इशू है, राहु का इशू है, मार्स का इशू है, चंद्रमा का इशू है, पढ़ाई के लिए जुपिटर का इशू है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चे बहुत ग्रहणशील होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो छुटपन से यदि आप रुद्राक्ष उनको पहनाना शुरू कर देंगे तो बहुत बहुत फलदायी होगा। बच्चा चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, तो उसको पहनाएं। यदि पहनाने में असुविधा होती है, स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, कि आप उनको आने के बाद पहना दीजिए। और भी कोई दिक्कत होती है तो जो बेड में सोते हैं तो तकिए के पास रख दीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए, मतलब जिस कमरे में बच्चा सोता है उसके आसपास रुद्राक्ष रखने से भी उसको उस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। इसमें ना तो समय, ना काल, ना पात्र, ना जाति, ना धर्म, इसका कोई बंधन नहीं है। मेरे पास तो आते हैं अलग अलग धर्म के मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, ईरान से, इराक से, अलग अलग देशों से लोग आते हैं जो कि मुस्लिम हैं। जो लड़कियां आती हैं बुर्का पहन के मेरे पास आती हैं वो भी रुद्राक्ष पहनती हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो बुद्ध हैं वो भी रुद्राक्ष पहनते हैं, जैन भी पहनते हैं, तो अलग अलग धर्मावलंबियों के लोग भी आते हैं उसको पहनते हैं। क्योंकि मैं उनको समझाता हूँ उसके पीछे साइंस क्या है, इसको रिलीजन से ना जोड़े, धर्म से इसको ना जोड़े। तो रुद्राक्ष का धर्म से, सो कॉल्ड धर्म से कोई मतलब नहीं है जिसको हम समझते हैं, ना जेंडर का कोई मतलब है, ना उम्र का कोई मतलब है, ना स्थान का कोई मतलब नहीं है। सभी लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं।